व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो के अंदर। ये वीडियो खासकर रहने वाली है ऑस्ट्रेलिया जाने के जो लोग चाहवान है उन लोगों के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, थोड़े टाइम पहले ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट करी थी मेट्स वीजा को लेके, जो कि 3-4 कंट्रीज के लिए बनाया गया था। उसके बाद मैंने एक वीडियो डाली थी यूट्यूब पे, उसके बाद बहुत सारे लोगों के मैसेज और कमेंट आए थे कि ये जो मेट्स वीजा है कब चालू होगा, इसकी सब क्लास क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो पहले इसके बारे में ऑस्ट्रेलिया ने खाली अनाउंसमेंट करी थी, कोई अपडेट वगैरह नहीं दिया था। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट का, जो फेडरल गवर्नमेंट है ऑस्ट्रेलिया की, उसका बजट आया है। बजट के अंदर इस वीजा के ऊपर चर्चा करी गई है और उस वीजा के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी दी गई है। तो बाकी इन्फॉर्मेशन अभी क्या आई है रिसेंटली वो बता देता हूँ इस वीजा के ऊपर। बाकी इस वीजा की रिक्वायरमेंट वगैरह क्या है, क्या सीन है, किस तरीके से होगा, वो जब भी अपलोड होगा साइट पे, जब भी अपडेट होगा, तो मैं आप लोगों को पूरी वीडियो बना के इन्फॉर्मेशन दूंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम को फॉलो करके रख लेना, क्योंकि जब भी वीडियो मैं डालूंगा तो वहाँ पे अपडेट आप लोगों को आ जाएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ऐसी और अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्टली सीधा आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो अभी जो रिसेंटली बजट आया उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया ने इस वीज़ा को बोला है वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा, और इसको दिया गया है सब क्लास 462। जी हाँ दोस्तों, ये होगा वर्क एंड हॉलीडे सब क्लास 462 वीज़ा। तो ये वीज़ा बेसिकली 3 कंट्रीज़ के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें आता है आपका चाइना, वियतनाम और इंडिया। इंडियंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात है, क्योंकि देखो अगर इन कंट्री के बीच में इंडिया का नाम आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है अपने लोगों के लिए। तो अभी इसकी टोटल सीट कितनी है वो तो अभी इन लोगों ने डिक्लेयर नहीं किया कि टोटल सीट इसकी कितनी होगी। तीनों कंट्रीज़ के लिए डिफरेंट होगी, या तीनों कंट्रीज़ के लिए एक, यानी कि 3,000 होगी, तो वो 3,000 में तीनों कंट्रीज़ के लिए होगी। किस तरीके से वो अभी तक बताया नहीं गया है। और ये कब चालू होगा, ये जो फाइनेंशियल ईयर है, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2024 और 2025, उसके अंदर ही ये चालू होने वाला है। और इसके अंदर ज़्यादा तो वैसे कुछ नहीं है, इसका सिमिलर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यूके ने स्टार्ट किया था 2023 के अंदर किया था, जो कि इंडिया यंग प्रोफेशनल वीज़ा था, जिसको आप लोग यूथ मोबिलिटी वीज़ा के नाम से बोलते हो। तो वो जिस हिसाब से बैलेट सिस्टम था, लॉटरी सिस्टम था, उसी हिसाब से सेम ये जो मेट्स वीज़ा है, यानी कि सब क्लास 462 है, ये भी सेम उसी तरीके से है। बट यूके वाला क्या था कि यूके वाला फ्री था, जब आप बैलेट अप्लाई करते हो, लॉटरी में एंट्री करते थे, उस टाइम वो फ्री था बिल्कुल, आपका कोई चार्ज नहीं था उसके अंदर। अगर आपका लॉटरी में नाम आता है, फिर आपको वीज़ा की कॉस्ट है, हेल्थ सरचार्ज है, वो सारी चीज़ें पे करनी होती थी। बट इसके अंदर ऐसा नहीं है, ये लोग एक उसकी मिनिमम जो चार्जेस है वो रख रहे हैं, वो है 25 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगर आप लोगों को बैलेट में एंट्री करना है, अप्लाई करना है इस लॉटरी के लिए, तो आपको 25 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे करना पड़ेगा। वो क्यों, कि ये लोग चाह रहे हैं कि जो लोग इंटरेस्टेड है ओनली वही अप्लाई करें, और उन लोगों को भी जो एक्स्ट्रा टाइम उनका इसमें ना ख़राब हो, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे लोग अप्लाई कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले में भी 2,000-3,000 वैकेंसी जी होती थी, पर लोग लाखों में एप्लीकेशन करते थे। इसी के चलते इन लोगों ने ये थोड़ा सा निकाला कि जो लोग एप्लीकेबल है, जो लोग इंटरेस्टेड है, वही करें, और उनका भी टाइम सेविंग, और उनकी जो उसके ऊपर टाइम लगेगा, जो उनका जो वर्कफोर्स उसकी लगेगी, तो वो उसको थोड़ा सा अपने पैसे वहीं से निकालना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ है बेसिकली इसके बारे में। तो बाकी इसकी ज़्यादा कुछ नहीं है। इंडिया, चाइना और वियतनाम के लिए लागू किया गया, और इसका बैलेट में अप्लाई करने के लिए 25 ऑस्ट्रेलियन डॉलर चार्ज है, बस इतना ही इसके बारे में। और ज़्यादा कुछ अपडेट अभी तक नहीं है। और ये वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा है, जिसमें आप वर्क भी कर सकते हो, घूमने के लिए हॉलीडे वगैरह कर सकते हो। इसके 3-4 पार्ट होंगे, वो जब भी नेक्स्ट वीडियो जो डिटेल आएगी मेरे पास, उसके बाद मैं बनाऊंगा प्रॉपर एक वीडियो, ताकि उसके अंदर आपको अच्छे से समझ आएगा रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरीके से है, क्या सीन है, हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, फैमिली लेके जा सकते हैं कि नहीं, एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सारी चीज़ें आपको उस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो उसके लिए आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो होप करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर कर दे, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख ले ऐसी और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।